सीरियल शादी मुबारक में आ गया है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, और यहाँ पर प्रीति की और उसकी बेटी की मुलाकात कुछ इस तरह हुई है कि दोनों में ही नफरत की दीवार खड़ी हो गई। भाई केटी के सामने एक नई मुसीबत, जहाँ पर वो अब मिलने जाएगा प्रीति से यानी आया से। उसे लग रहा है कि आया ने यानी कि अब प्रीति को अब यहाँ पर जिसने डांटा है वो आया कोई और है, और जबकि यहाँ पर सामने होगी प्रीति और उसे देख कर तो केटी के होश उड़ने वाला है। अब भाई जैसे केटी उसे मिस करते हुए नजर आया था और वो प्रार्थना कर रहा था कि अब आप ही को आना है और अपनी बेटी को संभालना है, कितनी परवरिश में मेरी कमी रह गई ये आप ही को देखना है। और यहाँ पर सच में कुछ ऐसा ही है क्योंकि कीर्ति उसके प्यार में बिगड़ चुकी है और इस बच्ची को सीधा करने के लिए अब प्रीति वापस लौट आई है और केटी भी वापस उसे लेकर घर आएगा। लेकिन कीर्ति इतना कुछ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि अब प्रीति के लिए उसे हैंडल करना काफ़ी टफ होने वाला है। तो यहाँ पर माँ बेटी के बीच में पहले से ही दूरियाँ बन चुकी है, वो कैसे मिटेगी और कैसे कीर्ति इसको अपना माँ मानेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रीति यानी प्रीति की बेटी प्रीति और कीर्ति दोनों ही एक ही घर में रहने वाले हैं और ये दोनों ही अब यहाँ पर कीर्ति प्रीति को परेशान करते हुए नजर आएगी, अपनी माँ को भी और अपनी सिस्टर को भी। तो भाई हम आने वाले एपिसोड में इन दोनों बच्चियों पर एक तरह से बेस्ड हो चुका है शो। अब शो मेकर्स आगे क्या दिखाएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ट्रैक काफी कुछ बदल चुका है। अब आपको ये ट्रैक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं।